21 अक्टूबर को जैसे ही मतदान संपन्न होते हैं, वैसे ही हरियाणा के एक शहर शाहबाद मारकंडा में देर रात बीच सड़क पर हंगामा दिखाई देता है। यह हंगामा कुछ और नहीं बल्कि स्थानीय लोगों द्वारा संदेह के आधार पर एक सरकारी गाड़ी को रोक लिया जाता है, जिसमें तकनीकी कारण के चलते कुछ खराब ईवीएम मशीनें मिलती हैं। वहां इकट्ठा हुए लोगों में कुछ पार्टी के समर्थक भी होते हैं, जो इसे नकली मशीनें व भाजपा की साजिश बताते हैं। किंतु तभी वहां जेजेपी के प्रत्याशी रामकरण काला भी पहुंचते हैं और अपने समर्थकों को साफ करते हैं कि गाड़ी को जाने दिया जाए, ये तकनीकी समस्या के चलते खराब मशीनें ले जाई जा रही हैं। इसके बाद अगले दिन पड़ताल शुरू होती है अर्थ प्रकाश की। कड़े प्रयास के चलते अर्थ प्रकाश द्वारा हरियाणा के संयुक्त चुनाव अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत से बात होती है और इस मामले पर पूरा संज्ञान लिया जाता है। इस मामले पर उनका कहना था कि सरकारी गाड़ी में ले जाई जा रही मशीनें नकली नहीं थी। ये तकनीकी कारणों से जो मशीनें रोकी गई थी, गाड़ी में उन मशीनों को उनके स्थान पर ले जाया जा रहा था। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।